हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद जय। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो इस आधुनिक वर्ल्ड की क्रिकेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। और आजकल मोस्टली जो बैट्समैन T20 वगैरह खेलते हैं उनके पास ये शॉट्स होता है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि बॉलर एक टप्पे पे बॉल डाल रहा है और कोई शॉट मतलब लग नहीं रही हो बैट से, तो आप ये वाला शॉट ट्राई कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ दिल स्कूप की, और आज की वीडियो मैं सारी दिल स्कूप के ऊपर बनाऊँगा। बेसिकली जो दिल स्कूप है वो दिलशान ने इंट्रोड्यूस कराया था क्रिकेट में, और दिलशान श्रीलंका से खेलते थे सबको पता है। और 2009 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ये शॉट खेला था, और उस शॉट को खेलने के बाद बहुत सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स ने इस शॉट को अपनाया। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है, और इसी से रिलेटेड जो टेक्निक है, इसके स्किल्स हैं, किस तरीके से ये खेला जाता है, उसके बारे में बात होगी। तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, बेसिकली जो दिल स्कूप है, दिल स्कूप खेलने का बैट्समैन का क्या रीज़न है, किस डायरेक्शन में खेला जाता है और इसको क्यों खेला जाता है। तो जब एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो तो जो शॉट हमारा जो फाइन लेग की दिशा से लेके थर्ड मैन तक की दिशा में हम जो जिस शॉट को हम पीछे खेल सकते हैं वो बेसिकली स्कूप शॉट हुआ। और इसको दिल स्कूप किसलिए नाम पड़ा, क्योंकि दिलशान ने इसको इन्वेंट करा था इसलिए इसका नाम दिल स्कूप पड़ा। तो बेसिकली हम दिल स्कूप को क्यों खेलते हैं और किसलिए खेलते हैं। दिल स्कूप को हम इसलिए खेलते हैं कि हमें ये 4 रन देगा या 6 रन देगा। जब एक पेसर अच्छे लेंथ पर बॉल डाल रहा है, मतलब आपको गुड लेंथ के ऊपर कंटिन्यूस बॉल डाल रहा है, या एक स्पिनर गुड लेंथ के ऊपर आपको कंटिन्यूस बॉल डाल रहा है, तो होता क्या है स्पिनर के दौरान, तो थर्ड मैन और जो हमारा फाइन लेग होता है ये सर्कल में ही होते हैं, मतलब 30 यार्ड तक होते हैं। तो जब आप इसको स्कूप करते हो तो बॉल 4 रन के लिए जाती है। ऐसी पेसर के साथ है, फाइन लेग कभी कभार ऊपर लेके चलता है वो, और थर्ड मैन कभी कभार ऊपर लेके चलता है, तो आप उसको भी स्कूप करोगे तो बॉल 4 या 6 रन के लिए जाएगी। तो बेसिकली जो टेक्निक रहती है, मैं टेक्निक के बारे में बता दूं क्या रहती है, बाकी इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा ऐसे बैट आना चाहिए वैसे बैट आना चाहिए। थोड़ा हैंड आई की बात है कि हैंड आई हमारी अच्छी होनी चाहिए। और जब हम शॉट खेलेंगे, फर्स्ट आप नॉर्मल बेसिक्स एक स्टांस लेके खड़े हो गए हो, ठीक है। अब जैसे जो दिलशान खेलता था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। दिलशान क्या करता था, जब ऐसे करके अपने नीज पे बैठ के या तो उसको गाइड कर देता था, अगर ऊपर का बॉल है, फॉर एग्जांपल किसी ने यॉर्कर लेंथ का बॉल डाला या थोड़ा सा आगे का बॉल डाला, तो उसको ऐसे करके गाइड कर देगा। अगर दूर का, जैसे फॉर एग्जांपल गुड लेंथ का बॉल है, तो उसको फेस हटा के ऐसे करके गाइड कर देता था। तो ये शॉट को खेलने के लिए आपको हैंड आई बहुत अच्छी चाहिए। अब इसके साथ साथ अब इस शॉट में दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने स्टांस लिया, ठीक है, आप शॉट के लिए जा रहे हो, आप इस तरह से बैठोगे, आगे का बॉल है तो आप इस तरह से गाइड करोगे, पीछे का बॉल है तो आप उसको इस तरह से खेलोगे। लेकिन कई बॉलर शार्प होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप भी बॉल फेंक देते हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप मतलब आपको कोई डिलीवरी आ सकती है, तो उस दौरान क्या करना है, उस दौरान भी कई लोग क्या करते हैं, जब ऐसे खेल के ऐसे गाइड कर देते हैं, मतलब बॉल पे बैट लगा देते हैं किसी तरह ऐसे करके, और वो बॉल थर्ड मैन की डायरेक्शन में चले जाता है। बाकी मैं तो इतना इस शॉट को नहीं खेलता हूँ, कभी कभार ही मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि इस शॉट में अगर आपका ये शॉट मिस हुआ, मतलब कि अगर एक बॉलर आपको गुड लेंथ का बॉल डाल रहा है या शॉर्ट बॉल डाल रहा है और आप इस शॉट के ले गए, अगर ये मिस करोगे तो आपकी शोल्डर में भी इंजरी हो सकती है, फेस पे लगेगी तो भाई साहब आप हॉस्पिटल भी बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये शॉट रिस्की बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ ये रन्स भी देता है। तो आपको अपने रिस्क पे ये शॉट खेलना है, और इसको परफेक्ट करने के लिए मैं क्या ड्रिल्स करता हूँ, मैं वो आपको बता देता हूँ, मैं आपको ड्रिल्स करके दिखा दूँगा। थ्रो डाउन के ऊपर ड्रिल्स करेंगे, बाकी आप देखो और लर्न करो। तो दोस्तों, आपको मैंने ड्रिल भी करके दिखा दी, पहले अंडरआर्म फेंके, और अंडरआर्म में हम उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बारी बारी उस शॉट की, लाइक दिस। लेकिन आपको फेस हटाना भी बहुत ज़रूरी है, बॉल पे आईज रखना और फेस हटाना। आपको मैंने ड्रिल में दिखाई दी है कि किस तरह से ये शॉट खेला जाता है, बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे सॉफ्ट सिंथेटिक बॉल हो गई उससे भी कर सकते हो आप, जब थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओ तो फिर उससे आप लेदर बॉल को इंक्लूड कर दो अपने इसमें ड्रिल में। लेकिन यही है कि आप
पूरी प्रॉपर गियर्स पहन के बैटिंग करो, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, ग्लव्स अच्छे होने चाहिए, गार्ड अच्छा होना चाहिए, चेस्ट गार्ड भी पहन सकते हो, जिससे डर खत्म हो जाए, कोई फियर ना रहे कि लगेगी भी तो मैं इंजर्ड वगैरह हो जाऊंगा। और उसके बाद बिंदास होके ये शॉट की प्रैक्टिस करो, और बॉल पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बॉल कहीं पे भी फेंक सकता है बॉलर, तो उसको आपने अच्छे से गाइड करना है। अभी करंटली वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो इस शॉट से रन्स लेते हैं, जैसे अभी करंट इंडिया खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, वो बहुत रन इस शॉट पे बनाते हैं और उनका परफेक्ट है ये शॉट। तो ये सब बैट्समैन ऐसे नहीं बन जाते, इन्होंने बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इनके हैबिट, इनके मेंटल मेमोरी में, मसल मेमोरी में वो चीज़ फीड हो जाती है, और उससे फिर इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको भी ये शॉट परफेक्ट करना है तो आप भी मेहनत करो, दिन की 100-200 बॉलें खेलो इस शॉट को, और अपना परफेक्ट करो शॉट, और रन्स बनाओ, और जितने रन्स बनाओगे उससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और शॉट आपके एड ऑन्स हो जाएंगे, तो आपकी आर्मरी में एक ऐसा शॉट भी आ जाएगा जो आपको कभी मतलब डिफेंस, या फिर जैसे बॉलर अच्छा बॉल डाल रहा है तो आपके रन्स जो आपकी स्ट्राइक रेट है वो बढ़ती चलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक वो बेल आइकन दबा दे, जिससे जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो निकालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।